में सबसे बड़ा है तू इष्ट का धनवान, तू ही मालिक तू ही अल्लाह तू ही है भगवान, वीर तू पैगंबर साईं श्रद्धा सब दर पर जो तेरे आया वो कभी खाली न गया, तूने जिसे बुलाया वो बस सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मयूर कुमार है। जी, बात करें आप फिल्म की रिकॉर्डिंग है क्या है, बताना चाहेंगे किस फिल्म का टाइटल क्या है और क्या आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जी हमारी फिल्म का टाइटल है गन वाली दुल्हनिया। बेटा म्यूजिक डायरेक्टर चले जाएंगे और सुंदर चले जाएंगे तो सर जी आज के गाने के बारे में बताएं कि गाना किस मूड का है। ये मैंने अभी अभी जो गाना गाया साईं बाबा का, जिन्होंने ये गाना मेरे लिए खास बनाया, हमारे दोस्त तांबे साहब जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और लेखक भी है। सच पूछो तो ये गाना उन्होंने मेरे लिए ही बनाया ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जब गाना मैं गाते समय मुझे इतना मूड आया और श्रोती साहब ने तो ऐसा लगता है कि मुझे देखकर ही गाना बनाया है, और मेरा लड़का मतलब मेरा चिरंजीव आदर्श शिंदे ये भी उसमें गाने वाला है और वेट आने वाला है इसमें। लेकिन ये गाना जब पब्लिक सुनेगी तो सही में कुछ लगेगा कि आनंद शिंदे ने अलग कुछ गाया है, नहीं तो मेरे गाने सब कॉमेडी पढ़ा ली ऐसे ऐसे गाने रहते, लेकिन उसके लिए मुझे बुलाया जाता है। लेकिन आज पहली बार भक्ति संगीत और हिंदी फिल्म में मैंने गाया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसमें मुझे तांबे साहब ने ये मौका दिया, इसलिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद। इसके बाद गाना सुनो। आपका सबसे पहले मराठी गाना कौन सा हिट होता जिसको पूरे महाराष्ट्र में सर पे उठा लिया था? मेरा गाना नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला, जरा उसको अपने सुर में गुनगुनाएंगे। उसके बाद तो हर साल मैंने हिट देती दिया है। आप बोल रहे मतलब ये गाना हिट ही है। हिट नहीं, सुपर डुपर हिट। मैंने कहा ना क्या म्यूजिक कंपनी के लाइफ बन गई थी। आवड मला जाची मी त्यालाच आणल, तुझा ग बोलण्याला आता मी मानल, शेजारची ही काळी मैना लागली डोलायला, तवा लागली डोलायला, जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला, जवा नवीन पोपट हा लागला मिठू मिठू बोलायला। आनंद जी क्या वजह है कि इसके बाद में इतना सुपर डुपर हिट गाना कोई आपको नहीं मिला या आपने नहीं रिकॉर्ड किया? इसके बाद मैंने कॉमेडी पढ़ा ली, वो भी मेरा हिट हुआ है, और गणेश आचार्य जी ने जिस पर डांस किया वो भी पोपट का ही सॉन्ग था, माता पोपट पिसाटला, तुझी चिमनी उड़ा ली भुर भुर माजा पोपट पिसाटला, ये भी गाना हिट है। बहुत सारे गाने हिट है मेरे, डोक फिर लाया। आपको क्या हिंदी फिल्मों के ऑफर नहीं आते हैं या आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है हिंदी गाने में? वैसा नहीं, मैं बिन बुलाए मेहमान कहीं भी नहीं जाता। अभी ये हमारे है और उनको मालूम था कि आनंद शिंदे, तांबे साहब को मालूम था कि आनंद शिंदे कुछ गा सकते है, नहीं तो यहाँ पर हिंदी में गाने के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड तो है ही नहीं। मैं मराठी में मेरी एक ऐसी दुनिया है कि जिस पर मैं अच्छे अच्छे को भी फड़कने नहीं देता, उधर मेरे सिवा दूसरा कोई चलता ही नहीं। लेकिन अभी फिलहाल मेरा लड़का चल रहा है, उसको दादा साहब फाड़के पुरस्कार भी मिला है देवा तुझा गाभारेला इस गाने के ऊपर, और वो मेरे साथ इसमें गाने वाला है, ये मेरा सौभाग्य की बात है।
मैं मेरे बच्चे के साथ गा रहा हूँ। नवीन पोपट और आज की जो साईं बाबा की कवाली है, ये दोनों में क्या अंतर महसूस करते हैं आप? मैं इससे पहले भी मराठी में भी साईं बाबा के भजन गा चुका हूँ, विट्ठल के भजन गा चुका हूँ, देवी देवताओं के गाने गा चुका हूँ, लेकिन हिंदी फिल्म में पहली बार मैं साईं बाबा का गाना गा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कैसा लग रहा है हिंदी गाते हुए? हाउ यू फील टुडे? बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हिंदी फिल्म का गाना मेरे से होने वाला था, इसीलिए मैं बच गया। मेरा 2 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और इसके बाद मैंने ये हिंदी का पहला गाना गाया। ये मुझे साईं बाबा ने उनका गाना गाने के लिए ही यहाँ पर जिंदा रखा, मैं ऐसा समझता हूँ। थैंक यू आनंद जी, धन्यवाद। ज्यादा तो गुनगुनाएंगे एक लाइन भैया। दर पर जो तेरे आया वो कभी खाली ना गया, तूने मुझे तूने जिसे बुलाया वो बस तेरा हो गया, तूने जिसे बुलाया वो बस तेरा हो गया। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कंचन अवस्थी है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कंचन अवस्थी है। कंचन, बात करें कौन सी मूवी है और उसमें किस तरह किरदार है आपका, क्या कहना चाहिए? जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है गन वाली दुल्हनिया, तो पूरी फिल्म टाइटल पे ही बेस है और ऑफ कोर्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बोल्ड है, ब्लंट है एंड बहुत ही आई थिंक कॉमिक भी होगा। कितने बोल्ड है इसमें आपको बताया गया सीन को लेकर, अगर बात करें आपने खुद ही बोला बोल्ड है, क्या सीन इसमें बोल्ड के लिए, कुछ सीन के लिए बोला गया है आपको? आई थिंक टाइटल से पता चल रहा है गन वाली दुल्हनिया, तो गन का नाम आते ही मतलब ऑफ कोर्स लड़की होगी जिसके हाथ में गन होगी, उसी से पता चल रहा है लड़की कितनी बोल्ड हो सकती है। और आपके साथ में सह कलाकार कौन कौन है? मेरे साथ में मयूर जी हैं, मयूर कुमार, वो है मेरे ऑपोजिट को एक्टर। इससे पहले आपका प्रोफाइल क्या क्या कर चुके हैं बताना चाहेंगे दर्शकों को? मैंने अभी 2 साल पहले एक टीवी शो किया था अम्मा, शबाना मैम के साथ काम करने का मौका मिला था मुझे, और अभी एक फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में है प्रकाश झा प्रोडक्शन की, फ्रॉड सैया, अरशद वारसी के साथ की है मैंने, अभी रिलीज नहीं हुई है। कैसा एक्सपीरियंस रहा अम्मा का आपका? अम्मा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरी फेवरेट शबाना जी के साथ मुझे मौका मिला काम करने का, स्क्रीन शेयर करने का, बहुत अच्छा लगा मुझे। इस फिल्म में अगर किरदार की बात करें बहुत चैलेंजिंग होगा आपके लिए, जैसे कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं महिला ओरिएंटेड मूवी, तो आप कुछ बताएगा किस तरह किरदार है? मुझे लगता जैसे है कि माया थी एग्जांपल, ओके शबाना जी रेखा की माया मूवी थी, इस टाइप से शायद रोल हो सकता है आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस तरह के जो यू नो टाइटल होते हैं, लाइक इससे पहले भी जो मैंने फिल्म की भूत वाली लव स्टोरी, तो ऑफ कोर्स फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट था वो भी, और ये भी फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जो कि एक उसी को आप कहानी का ये कह सकते हैं कि पूरी कहानी उसके आसपास रहती है, और फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट मीन्स मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे लगातार ऐसी फिल्में मिल रही हैं जो फीमेल ओरिएंटेड हैं। इससे पहले भी जो फिल्म रिलीज़ हुई या जिस फिल्म की मैं बात कर रही थी फ्रॉड सैया, वो भी फीमेल ओरिएंटेड कह सकते हैं उसे भी, तो मतलब मुझे ऐसे रोल मिल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इस तरह की फिल्मों में यू नो पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है और मैं उसमें टाइटल रोल कर रही हूँ, वेरी हैप्पी फॉर मी। कितनी एक्साइटमेंट है मूवी के लिए आपको? मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले जैसा कि आपको पता होगा मैं थिएटर से हूँ, मैंने थिएटर किया हुआ है लखनऊ, दिल्ली, मुंबई ऑफ कोर्स, तो थिएटर के आर्टिस्ट एक्चुअली थोड़े से डिफरेंट होते हैं कह सकते हैं हम, उनकी तैयारी कुछ समय पहले ही शुरू हो जाती है कैरेक्टर को लेके, अपने कैरेक्टर में जाने की और अपने कैरेक्टर को जीने की, तो शायद तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है हमारी। बोल्ड सीन की अगर बात करें कि आजकल दिखता है तो बिकता है कि बोल्ड सीन जरूरी है या प्रोड्यूसर की डिमांड होती है या फिर एक कलाकार चाहता है कि बोल्ड सीन के जरिए मैं अपने आप को चमका पाऊँ, क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, मैं इसे पता नहीं, मेरी सोच एकदम अलग है. मुझे नहीं लगता कि बोल्ड सीन या बोल्ड जैसा कुछ होता है. वो कहने की बात होती है कि ये बोल्ड, आप कितने बोल्ड हैं ये आपके परफॉर्मेंस से पता चलता है, ना कि आपके पहनावे से. तो मुझे लगता है ये कोई भी ऐसा नहीं होता है कि हम ज़बरदस्ती ऐसा कोई सीन डाल रहे हैं या प्रोड्यूसर्स की डिमांड होती है कि मैं ऐसा सीन रखूं. पता नहीं, आई डोंट थिंक दैट. मे बी कुछ फिल्मों में ऐसा होता होगा, बट आई थिंक मैंने अभी तक जितना भी काम किया है, या मैं ये कहूं कि मेरी शुरुआत है और अभी मुझे बहुत काम करना है, तो मैंने अभी तक जो भी किया उसमें मुझे कभी ऐसा नहीं लगा. और हमेशा की तरह एक नए प्रोजेक्ट को मैं एक नई एनर्जी के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, और उसमें ऑफ कोर्स अपना 100% देने के लिए जो शूट के पहले की जो तैयारियाँ होती हैं एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, तो शायद मैं भी उसी तरह से कोशिश करती हूँ उस कैरेक्टर को जीने की और उसे और अच्छा करने की. आज जो गाना फिल्माया गया, आज जो गाना रिकॉर्डिंग हुआ है, उसमें क्या सीन है आपका, अगर बात करें थोड़ा बहुत बताया गया होगा कव्वाली जो हुई है? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट जैसा कि मुझे पता है कि ये कव्वाली होती है साईं बाबा के दरबार में, और वो लड़की जिससे, ये जो कैरेक्टर है लीड कैरेक्टर गनवाली दुल्हनिया का, वो जिससे प्यार करती होती है उसे भी नहीं पता होता है, शायद उसके को एक्टर को भी पता नहीं होता है. मतलब प्यार होता है, यू नो, बट शायद पता नहीं होता है, कभी इजहार नहीं हुआ होता है, बस होता है कि हाँ प्यार है. तो शायद इस कव्वाली में उन लोगों को इस बात का एहसास होता है कि यू नो आई थिंक वी आर इन लव लाइक दैट. यहाँ से शिफ्ट करना है क्या? नहीं नहीं ठीक है. सबसे पहले आपका नाम? हाय, मेरा नाम कुमार, मयूर कुमार है. सर मूवी की बात करें, मूवी का नाम क्या है और आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है आप? मूवी का नाम है गन वाली दुल्हनिया, और जैसा कि आप टाइटल से एक आप इमेज कर सकते हो कि ये फिल्म एक ऐसी दुल्हनिया की है जो गन वाली है, और मैं इस फिल्म में एक नायक की भूमिका कर रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे. कौन है वो दुल्हनिया गन वाली? वो गन वाली दुल्हनिया आपको फिल्म देखकर पता चलेगा कि कौन है. और वैसे जो इसका किरदार निभा रही है वो कंचन अवस्थी जी. मैं तो थिएटर आर्टिस्ट रहा हूँ लखनऊ से, और उसके बाद फिर मैंने प्रिंट ऐड किए, रैम शोज किए, यही बस मेरा जो सफ़र रहा है यही रहा है अभी तक, तो थिएटर और ये फिल्म, सॉरी ये प्रिंट ऐड, रैम्स. किस तरह की स्टोरी है फिल्म की अगर बात करें? फिल्म की स्टोरी बहुत ही, मतलब एक रोमांटिक कॉमेडी है, बहुत ही अच्छा, एक ऐसी एक दुल्हनिया की स्टोरी है, और उसके इर्द गिर्द जो सारे किरदार हैं वो बहुत गुदगुदाने वाले हैं आपको, और एक अलग तरह का रोमांस फील कराने वाली कहानी है, बहुत ही खूबसूरत सी, जिसे शांतनु आनंद जी ने लिखा है, बहुत ही खूबसूरती खूबसूरती से उन्होंने बहुत ही एक एक शब्द पिरोया इसका. अभी तो क्या बात है, इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं सर आपको? मुझे तो, मेरा तो फर्स्ट डेब्यू है बॉलीवुड में, तो मुझे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं. जैसा कि अभी से ही लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं कि ये जो टाइटल से ही अपनी बड़ा कुतूहल सा एक रखती है फिल्म इंडस्ट्री में ये, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, और बहुत ही धमाल करेगी फिल्म ये. आज जो कव्वाली शूट, कव्वाली का सॉन्ग रिकॉर्डिंग किया गया है जी, क्या वीडियो की बात करें, क्या पिक्चर है, जैसे ना आपका क्या सीन रहेगा इस फिल्म, ये फिल्म जो फिल्म में है वो मध्यांतर के बाद में ये कव्वाली रखी जाएगी, और इस कव्वाली के दरमियान एक नायक और नायिका को एहसास होता है कि वो शायद एक दूसरे से प्यार करते हैं बट कभी इजहार नहीं करते हैं, तो और भक्ति तो है ही साईं बाबा के लिए, बहुत दिनों के बाद एक साईं बाबा की कव्वाली आ रही, तो बहुत ही एक्साइटेड है हम सभी. मिला कि आपका किरदार किस तरह का है, एक लाइन में बात करें? मेरा किरदार ऐसा है कि उसमें तो एक किडनैपर है जो गनवाली के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो उसका नायक है, और बाकी तो आपको जो स्टोरी होगी वो हमारे डायरेक्टर साहब ही बताएंगे, फिलहाल तो अभी हम कुछ भी अलग से कुछ बताने के उसमें है नहीं, और बता भी नहीं सकते अभी, तो हमारा वर्कशॉप चल रहा है फिलहाल. थैंक यू. व्हाट इज द सब्जेक्ट?
सब्जेक्ट एक रोमांटिक ड्रामा कॉमेडी के साथ, एक अच्छी रोमांटिक कॉमेडी जो यूथ को पसंद आएगी आज के। आपके सब्जेक्ट में हमेशा एक टॉपिक होता है, कभी भूत का होता है कभी गन का होता है, व्हाट इज द रीजन, ऐसा क्यों? नहीं, मज़ा आएगा ना, एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे तो मज़ा आएगा, 10 चीज़ें डालूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोलेंगे स्क्रिप्ट कहीं और चली गई यार, इंटरवल के बाद मज़ा नहीं आया, तो एक ही चीज़ पे रुका रहूंगा तो वो आपको टॉपिक तो पता चलेगा। अभी अभी टॉपिक का पता चला कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप पहले टाइटल ढूंढते हो और टाइटल के ऊपर सब्जेक्ट बनाते हो, माइक नीचे ले बेटा, माइक नीचे, कहाँ तक सच है? मैं इसी तरह से काम करता हूँ, सीरियल हो फिल्म हो, मेरे दिमाग में अगर कोई टाइटल आ गया और वो मुझे क्लिक कर गया तो मैं उसके ऊपर काम शुरू करता हूँ और उसी के आजू बाजू में कहानी लिखना शुरू करता हूँ। उस वजह से क्या होता है कि मैं भटकता नहीं, मुझे पता है कि मेरा टाइटल क्या है, मोटिव क्या है, 3 लाइन का 3 शब्द का 2 शब्द का टाइटल है, उसी के आसपास 2 घंटे की कहानी बना दे। थोड़ा आपका पिछला इतिहास दोहराने की कोशिश करेंगे? पिछला इतिहास मतलब मराठी फैमिली से हूँ, पिताजी कवि थे लेकिन उसके साथ समाज सेवक थे, तो फिल्मी बैकग्राउंड कोई नहीं था, फिल्मी स्थान के पीछे रहता था, तो फिल्मों का शौक घर में फैमिली में सब में रहा है, आज भी मेरे बच्चों में भी है, मेरी ने सभी फिल्में देखने का, तो शुरू से एक दिमाग में था कि फिल्म लाइन में डायरेक्टर ही बनना है, तो सोर्स नहीं थे तो फिल्मी स्थान में कहीं से पहचान निकाल कर एज अ स्टूडियो लाइटमैन मैंने मेरा करियर शुरू किया, वहाँ से फिर वो जो सफ़र शुरू हुआ स्टूडियो लाइटमैन का, आज 4थी फिल्म लेकर एज ए डायरेक्टर खड़ा हुआ। आपने बोला कि डायरेक्टर ही बनना है, ही के ऊपर आपने जोर दिया, लेकिन आप इसमें लिरिसिस्ट भी बन गए हो और इसमें प्रोड्यूसर भी बन गए हो, ये क्या है फिर? हाँ वो तो है, वो तो क्या है, राइटर मेरे अंदर था, मेरे पिताजी कवि होने के वजह से राइटर तो मेरे अंदर था ही, लेकिन मुझे बनना डायरेक्टर था, अब डायरेक्टर मुझे बनना ही था, राइटर मेरे अंदर है तो दोनों बन गया, प्रोड्यूसर बिजनेस की नीड है, कुछ तो बिजनेस करना चाहिए, कोई मुझे ब्रेक दे नहीं रहा था, ऐसे डायरेक्टर मैं ही बन गया प्रोड्यूसर। आपने सुना है कि कुछ मराठी फिल्में भी बनी, कौन कौन से बनाए? मेरी पहली फिल्म थी माझी शाळा और उसके बाद मेरी यारी दोस्ती, बहुत अच्छी चल रही, बहुत अच्छी हिट रही है, जिसका मैं सिक्वेंस बहुत जल्दी यारी दोस्ती पार्ट 2 बनाने वाला भी हूँ। आपने 2 मराठी बनाई, 2 हिंदी बनाई, आपको दोनों में सेटिस्फेक्शन कहाँ रहा, एज ए महाराष्ट्र मराठी और ऑल ओवर वर्ल्ड इंडियन? नहीं नहीं, एज अ क्रिएटिव मुझे, एज अ क्रिएटर मुझे सब जगह पे सेटिस्फेक्शन है, सभी फिल्में मेरी है, मुझे अच्छा लगा, एक कलाकार के लिए कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखता है, मेरे क्रिएशन है, मुझे सारे क्रिएशन अच्छे लगे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप लॉन्चिंग डेट और रिलीज डेट साथ में डिक्लेयर करते हो, तो इन पीरियड आप ये फिल्म किस तरह कंप्लीट करवा लेते हैं? नहीं नहीं, एक टारगेट होल लेके चलूँगा तभी तो प्रेशर के पे काम करूँगा, नहीं तो चलो बना रहे हैं 2 साल से फिल्में बन रही है, मेरी पहली फिल्म में मुझे ये दिक्कत आई, जबकि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन दिक्कत आई, मेरी फिल्म रिलीज होने में काफ़ी समय लगा, तो इस उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा, रिलीज डेट साथ में लेके निकलेंगे ताकि काम का प्रेशर रहेगा और टाइम पर सब चीज़ें पूरी हो। इस फिल्म में और कौन कौन आर्टिस्ट हैं? इस फिल्म में मैं 2 नए कलाकारों को लीड मेल डेब्यू दे रहा हूँ, एक है मयूर कुमार, दूसरा है विवेक कुमार और कंचन अवस्थी जो मेरी पिछली फिल्म में भूत वाली में लीड कर चुकी है, गन वाली दुल्हनिया में भी वही लीड कर रही है, तीनों के ऊपर बेस कहानी है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, आपको देखकर मजा आएगा। और अदर आर्टिस्ट जैसे अदर आर्टिस्ट में रवि किशन है, गोविंद नामदेव जी है, रवि किशन जी से बात हुई है, कन्फर्मेशन आना बाकी है लेकिन कर ही लेंगे, लेकिन गोविंद नामदेव, शरद सक्सेना, विजेंद्र काला जी और अभी गोस्वामी, हाँ गोस्वामी, श्रावणी गोस्वामी जी, ये आर्टिस्ट सारे फाइनल है, इसके अलावा हमारी जैकी दादा और गुलशन जी से भी बात शुरू है, देखते कहाँ तक जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।